सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस आज देखो फिर से हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं पोकेमोन एडो सीरीज को, एंड ये बहुत टाइम बाद इसका एपिसोड आया है। वेल गाइस कोई बात नहीं, मैं अब 7 डेज तक रेगुलर अपलोड करने वाला हूँ, तो उसमें हम सभी गेम प्लेस को खेलने वाले हैं, यानी सभी गेम्स को खेलेंगे। वेल गाइस 7 डेज तक रेगुलर वीडियो आने वाली, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये एक चैलेंज है गाइस। अगर यहाँ पे मेरे से थोड़ी सी भी गलती हुई ना तो यार मुझे तुम जो चाहे वो पनिशमेंट कमेंट में लिख सकते हो, जिस पर सबसे ज़्यादा लाइक्स आएंगे यार मैं उसको मतलब एक्सेप्ट कर लूँगा। ऐसा नहीं करूँगा कि नहीं भाई मुझे एक और चांस चाहिए। गाइस ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं एक्टिव हो जाऊँ चैनल पे, ताकि यार मेरे भी व्यूज़ आए यार। और यार थैंक यू सो मच यार, आप लोग का सपोर्ट बहुत ही बढ़िया है गाइस। एंड गाइस अभी यहाँ पे हम लोग डेलनेट बहुत टाइम से है, एंड हम लोग को डेलनेट से बाहर जाना है। सबसे पहले यार एक काम करना, वीडियो को लाइक कर देना। तो गाइज अभी हम लोग नीचे आते हैं, Route 4 पे हम लोग है गाइज, हम लोग को Route 5 पे जाना है, जहाँ पे हमें मिस्टर मैथॉन मिलेंगे, माइथॉन या फिर क्या नाम था उनका। हमें फुल हील मिला है यहाँ पे फिलहाल, तो मैं इसे रख लेता हूँ एंड आगे बढ़ते हैं हम लोग अभी। तो यार इस रूट में तुम जब आओगे तुम्हें यहाँ पे ये दादी अम्मा जो है 350 रुपये देंगी, तो यार उसको ले लेना। ओके गाइज तो मैं अभी आगे बढ़ता हूँ यहाँ पे। अरे भाई साहब वाइल्ड पोकेमोन कौन है, रैंडा गाइज, मुझे रैंडा नहीं चाहिए, तो मैं रन करता हूँ। एंड गाइज हमें कोई नया पोकेमोन पकड़ना चाहिए तो बताना, मेरे ख्याल से हम लोग के पास 2 पोकेमोन्स बहुत कम हो गए। यहाँ पे पोकेबॉल है तो मैं इसको जल्दी से उठा लेता हूँ। अरे आगे क्यों नहीं बढ़ रहा, अच्छा यही से पिकअप करना होगा मुझे। ओके यार सुपर पोशन, यार अगर इन सब गेम में ऑटो पिकअप होता ना, यानी उनके पास जाओ और ऑटोमेटिक वो उठ जाता ना, तो भाई आसान होता हमारे लिए। हम लोग संचादिया में आ चुके हैं गाइज। गाइज यहाँ पे यार वो क्या था, अरे ट्रीना पीवर, सो डिड यू गॉट द पॉल्यूशन बैच बिकॉज आई वॉन्ट इट वेरी इजिली। रेनुका ओके, रेनुका के आगे हैड ऑल्सो डिफेटेड कैरोलिन, वॉट यू ऑल्सो, हाँ तो भाई हम नूबड़े देखते हैं क्या तुम्हें, गॉट इट एनी वेज कॉन्ग्रेट्स हे पीवर, सो वी ओके बोथ हैव 2 बैच नाउ, देन वॉट अबाउट लैटल, ओके लेट्स सी हु इज अ बेटर ट्रेनर टिल नाउ। गाइस मुझे यहाँ पे कैसी भी ये बैटल जीतनी होगी बिकॉज यहाँ पे बेस्ट ट्रेनर का सवाल है, तो चलो हम लोग इसको जल्दी सराहते हैं। इसका एक रॉक रफ है, एंड यहाँ पे मैं अभी इसकी लेवल बढ़ानी, तो मैं बटन से खेलने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पे उस पर एनर्जी बॉल करूँगा जो कि उस पर सुपर इफेक्टिव होगा, एंड 2 मूव में वो मर चुका है। ओके तो मैं यहाँ पे जल्दी पोकेमॉन स्विच कर लेता हूँ फ्लेम फॉल, क्योंकि मुझे सबकी लेवल अप करनी है, एंड यहाँ पे देखते हैं उसके पास है। ओके हमारे पास एडवांटेज होगा, फ्लेम चार्ज करता हूँ मैं। ओके ये ओके ये ओके भाई साहब, गाइस फाइनली वो मर चुका है, एंड हम लोगों ने यहाँ पे ओपी तरीके से ट्रीना को हरा दिया है। ओके ट्रीना, ओह नो यू अगेन डिफीटेड मी, इट्स नॉट फेयर, एवरी गेम हैज अ विन और लूज, डू इट एनीवेज पीवर्स, डिड यू रिमेंबर व्हाट आर वी गोना डू नेक्स्ट, यस करेक्ट आवर ओके नेक्स्ट स्टॉप इज मिस्टर माइथोस हाउस ऑन Route 5, अच्छे से याद है मुझे Route 5 पे हम लोग जा रहे हैं, हम लोग Route 5 पे हैं, Route 4 पे हम लोग, बट द प्रॉब्लम इज मिस्टर माइथोस हाउस इज बियॉन्ड द डार्क सिद्धार्थ टनल ऑन Route 5, आई हियर्ड ओके इसने क्या सुना, दैट द टनल इज वेरी डार्क एंड फुल ऑफ वाइल्ड, ओ माई गॉड गाइस सब तो प्रॉब्लम होने वाली है, फुल ऑफ वाइल्ड पोकेमॉन्स, इट्स इजी टू गेट लॉस्ट देयर, ओ नो आई फॉरगॉट अ थिंग, टेक दिस यू फाइंड HM04 गाइस, ये स्ट्रेंथ होता है मुझे याद है, ये मेरे पास पोकेमॉन डायमंड में भी है। इससे क्या होता है यार, हम लोग रॉक को मूव कर सकते हैं, पुश कर सकते हैं उसे, एंड उसके बाद हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। वेल गाइस कोई बात नहीं, हम लोग संचादिया में अभी हम लोग Route 4 पे हैं, एंड हम लोग को आगे बढ़ना होगा, Route 5 पे जाना है, तभी यार हम लोग टीम और को हराने के लिए ना मिस्टर माइथोस से मिलेंगे, तब उनका कुछ प्लान होगा और उसके बाद ही हम लोग आगे की कंटिन्यू करेंगे एडवेंचर को। फिलहाल मैं पोकेमॉन सेंटर एक बार जाता हूँ यहाँ पे। ओके अंदर चलता हूँ, लेट्स कम इन एंड हेलो एंड वेलकम टू द पोकेमॉन सेंटर, यस वैसे मेरे पोकेमॉन सील है गाइस, पर यार मैं अगर मर गया ना गलती से भी तो यहाँ पे क्या होगा, मुझे पूरा बैक कर देंगे, इससे बढ़िया मैं यहाँ पे आ गया। चलो एक काम करता हूँ, हम लोग आगे जाते हैं गाइस। हम लोग इस घर में कुछ है क्या, ओहो ओल्ड मैन हे ओके भाई साहब, ओ माय गॉड, ओ ला 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 भाई क्या ही गाना गा रहे हैं वो गाइस, क्या गाना गा रहे थे वो। वेल गाइस अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके यहाँ सीढ़ियों से उतरना होगा, इस साइड जाता हूँ मैं, आई थिंक इधर कुछ स्पेशल देखने को मिलेगा, लेट्स गो एंड ओके ऊपर आ चुके हम लोग। ओ भाई सांची स्टूपा, भाई
ओ माय गॉड गाइस, देख सकते हो सांची स्तूपा यहाँ पे खड़ा है, बनाया गया गेम वालों ने, यार कितना अच्छा है। ताजमहल, कुतुब मीनार और भी बहुत सारी चीज़ें इस गेम में, द ग्रेट स्तूपा ऑफ सांचादिया। ओके आई नो, थोड़ा गेम में ना चेंज कर दिया गया सबके नेम को, बिकॉज कॉपी हो जाती तो यार मज़ा नहीं आता, तो थोड़ा इंटरेस्ट करने के लिए यार थोड़ा नेम चेंज करना पड़ता है। आगे बढ़ते हम लोग, इधर इधर से यार देखता हूँ मैं, ओहो इधर और रास्ता है। हे भाई, चाइनीज है जैपनीज, यार कितना मस्त लग रहा है ये घर, इसके अंदर जा सकता हूँ क्या मैं? ओके तो आगे से रास्ता नहीं है, अरे यार जान ही नहीं दे रहे भाई, तो बनाया क्यों फालतू में गाइस ये गेम वाले भी ना। वेल छोड़ो कोई बात नहीं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हे ट्रीना, ओके ट्रीना पीवर्स कम क्विक विद मी, आई सॉ सम मेंस वेयरिंग ड्रेसेस विद द सेम सिंबल ऑन द कार्ड दैट टीम वॉर लेफ्ट इन ताजमहल। ओके तो ये वही कार्ड की बात कर रहे हैं जो उन्होंने एक मैसेज में लिख के छोड़ दिया था वहाँ पे। कम क्विक, दे आर हैविंग अ रैली एट द एंड। ओके गाइस, हम लोग यहाँ पे जल्दी से टीम वॉर से मिलने जाना होगा, और लेट्स गो फ्रॉम दिस वे, इट्स अ शॉर्टकट। ओके गाइस, यहाँ पे टीम वॉर के ग्रंट्स है, पूरे 3 ग्रंट्स। क्या हमारी बैटल यहाँ पे हो सकती है? वी प्रॉमिस टू ब्रिंग बैक लेजेंडरी रोवतीर एंड ढाबोन, ब्रिंग बैक एरो तीर, अच्छा एरो तीर, द एक्सटर्नल पीस टू द वर्ल्ड टू प्रोटेक्ट, एंड आगे द रीजन फ्रॉम बींग ड्रूइंट एंड पीस टू बी रिटर्न जॉइन अस बी विथ अस हेल्प अस मेकिंग अल्टीमेट वेपन्स एंड कैप्चर द पोकेमॉन्स, लेजेंडरी पोकेमॉन्स को कैप्चर करना चाहते हैं ये लोग, वी विल बी ग्रेटली बेनिफिटेड। गाइस ये क्या यार, ये इन लोगों को बोल रहे कि इनकी टीम ज्वाइन कर लो ताकि लेजेंडरी पोकेमॉन्स को पकड़ सके और उससे क्या बोलते हैं ना वेपन्स बना सके, शक्तिशाली वेपन्स। गाइस ये एकदम बकवास आइडिया और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। ओके गाइस तो अभी आगे, हाँ रियली स्टेट वी एंड आवर रैली हियर, रिमेंबर वी आर हियर टू डू गुड, सपोर्ट अस। यहाँ अच्छा करना है, मजाक है क्या, ये बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहे यार, ये तो टीम रॉकेट से बुरे हैं। गाइस मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, डिड यू हियर दैट? ओके मैंने उन्हें सुना यार, दे वांट टू डेवलप अ वेपन, फाइंड एंड कैप्चर द लेजेंडरीज and use their power to make Pokemon snaps. This can't happen. We can't let them do this. We need to safely find the legendaries and return the piece of world instead of letting them ruin its lets. Okay guys, let's make it a promise that we will have to do it. Guys, मैं promise करता हूँ यार कि मैं team war को successful नहीं होने दूंगा. Okay, bye bye peepers. I really need to hurry now. I have to tell Renuka. Okay, तुम जाके उससे बता देना. हम लोग भी आगे बढ़ते हैं. Guys, यहाँ पे इसके अंदर मुझे जाना होगा आई थिंक, तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ बैग में मेरे पास, वेट अ मिनट लेट मी चेक, नहीं मेरे पास रिपल्स तो नहीं दिख रहे मुझे, नहीं यार अपने पास रिपल्स, आई थिंक मुझे स्टोर से खरीद लेना चाहिए था। खैर मैं काम करता हूँ, स्ट्रेंथ सिखा देता हूँ तब तक, आई थिंक वहाँ पे काम पड़ेगा अंदर क्योंकि रॉक्स होंगे ना कि मैं, तुमने पुश करना पड़ेगा। ओके मैं बॉटम को सिखा देता हूँ, फ्लेम फोर आई थिंक बड़ा होकर और अच्छे मूव सीख सकता है, तो मैं इसका स्टन स्पोर्ट हटा देता हूँ यार, कट भी मैंने इसको सिखाया था एंड स्ट्रेंथ भी इसको सिखा देता हूँ, 1-2 एंड टाडा, बॉटम फॉरगेट हाउ टू यूज स्टन स्पोर्ट एंड बॉटम लर्न स्ट्रेंथ, ओ ये। ओके गाइस हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके फाइनली सिद्धार्थ टनल में आ चुका हूँ मैं, एंड ये यहाँ पे वाइल्ड पोकेमॉन्स। ओके मुझे इससे बैटल नहीं करनी, लेट मी रन, ओके रन नहीं हो रहा, मुझे बैटल करनी होगी इससे। ओके ग्रास टाइप इफेक्टिव होगा, तो मैं काम करता हूँ इस पर, एनर्जी बॉल ही करता हूँ, थोड़ी सी एचपी से रह गया यार वो, चलो गाइस कोई बात नहीं, मैंने उसे हरा दिया है। एंड नाउ हम लोग आगे बढ़ते हैं ज़रा इस गेम में, देखता हूँ मैं क्या हो सकता है यहाँ पे। ओके भाई बहुत कन्फ्यूजिंग है यार, ये फ्लैश होता अपने पास तो भाई थोड़ा इजी हो जाता, पर स्टिल नहीं है अपने पास। ओके यार इधर से भी ब्लॉक है, ओके यहाँ पे लैडर है, हाँ इधर से आता हूँ मैं। ओ शेट डग, क्या बोलते हैं इसको, अच्छा डग ट्रू ने डिग्लेट है ना ये, हाँ रन, यार इसको भी रन नहीं कर सकता मैं, गाइस मजाक हो रहा है क्या, मतलब मैं रन भी नहीं कर सकता यार, रिपेल मुझे लेने चाहिए थे यार। अब यहाँ पे हम लोग कैसे जाएंगे? वेल गाइस कैसे भी पार करना होगा, मैं चाहे कुछ भी हो जाए टीम वॉर को सक्सेसफुल नहीं होने दूंगा। डिग्लेट को हरा दिया मैंने गाइस, एंड इनसे बैटल करते हैं, लेट्स हैव अ गुड बैटल। ओके श्योर आ जाओ, यू आर चैलेंज बाई हाइकर टोनी। ओके इसका जो स्टीलिक्स है भाई ये बिल्कुल इफेक्टिव नहीं होगा, वो स्टील टाइप है, यस मुझे लगा ही था।
ओके गाइस, तो मुझे लगता है कि अब मैं पता नहीं क्या करने वाला हूँ यार, मुझे एनर्जी पॉली करना होगा। ओ शेट, ओहो, पोशन यूज करना होगा मुझे। ओ भाई भाई भाई, जल्दी जल्दी सुपर पोशन यूज करते हैं गाइस। ओके सुपर पोशन मैंने यूज कर लिया इस पे। अरे भाई साहब, स्टीलेक्स गुस्से में यार। ओके तो मुझे यहाँ पे एनर्जी बॉल वाइन अप करता हूँ मैं, देखता हूँ क्या होता है। ओए शेट, इससे तो कुछ नहीं हो रहा, एनर्जी बॉल ही करना होगा मुझे। गाइस उसने यार कितनी जल्दी एचपी घटा दी यार इसकी। खैर कोई बात नहीं यार, 19 लेवल हो चुकी है बर्डम की भी। उसका एक और पोकेमॉन है, एंड वो पोकेमॉन आई थिंक जियोडूड है, नहीं क्रोबैट है। ओके मैंने पढ़ा नहीं था, फ्लेम फॉल यूज करता हूँ मैं यहाँ पे। ओके तो यहाँ पे उसकी 20 लेवल है, मेरे पास 22 लेवल है। एंड नाउ भाई उसने कंफ्यूज कर दिया। ओ शेट, अरे भाई, अरे यार उस पर इफेक्टिव नहीं थोड़ा सा भी? ओए मुझे लगा इफेक्टिव होगा, डबल किक तो नहीं कर सकता मैं उस पर। यार क्या करूँ यार, बाइट। अरे भाई साहब कंफ्यूज भी है ऊपर से ये, जब तक मैं उसे हराऊंगा नहीं तब तक इसका कंफ्यूजन नहीं जाएगा। ओए ओए भाई 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 संभल के गाइस, मुझे यहाँ पे सुपर पोशन यूज कर लेना चाहिए। अरे भाई 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 भाई, एक सेकेंड यार, एक सेकेंड, सुपर पोशन यूज करता हूँ मैं जल्दी से। भाई बस 8 एचपी का रह गया था ये। ओके यार उसने फिर से 38 एचपी कर दी यार, मुझे इसे हराना होगा जल्दी से जल्दी। भाई कितनी लेट लगती यार इसको, ये केव पार करने में लिटरली यार मेरा दिमाग खराब होने वाला है। वेल गाइस कोई बात नहीं, मैं ना बुरा ट्राई करूंगा। एंड आखिर मुझे पता है कि हम लोग इस केव से बाहर निकल ही जाएंगे। ओके तो अभी आगे बढ़ते यार, रिपेल तो है नहीं अपने पास, तो मैं यहाँ पे काम करता हूँ, पोशन यूज कर लेता हूँ। किधर है? हाँ यहाँ पे पोशन, नाउ यूज दिस। ओके एंड फ्लेम फॉल पे भी यूज कर लेता हूँ। ओके गाइज मैंने इनकी एचपी जो है फुल करके रखी है, क्योंकि यार यहाँ पे बहुत सारी बैटल्स होने वाली है, तो हमें पहले से ही यार हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा। ओके गाइज तो यहाँ पे फिर से ऑनिक्स आ चुका है। ओके तो मैं यहाँ पे इस पे बर्डम यूज करूंगा एनर्जी बॉल, एंड लास्ट थी वो, एंड अब आई थिंक नहीं बची है इसके पास एनर्जी बॉल। अच्छा लास्ट अभी भी है। ओके मैंने इसे हरा दिया है। गाइज आई थिंक बहुत प्रॉब्लम होने वाली है इस गेम में, तो एक काम करना होगा, मुझे लगता है कि हम लोग इस एपिसोड में इस गेम को नहीं पार कर सकते, बिकॉज ये बहुत लंबा एपिसोड हो जाएगा। तो अगले एपिसोड में हम लोग एक लंबा एपिसोड बनाएंगे और आराम से इस गेम को पार करेंगे। क्या तुम एक्साइटेड हो गाइज इस गेम के वीडियो देखने के लिए? नीचे कमेंट्स में जरूर से बताना। एंड ओके आगे बढ़ते हैं नाउ। भाई पोकेमॉन्स तो मिले जा रहे, रुक ही नहीं रहे हैं। भाई ये कौन सा नया पोकेमॉन है? स्लैम किट भाई नहीं चाहिए। भाई कैसा निंजा जैसा था ना वो। ओके गाइज मुझे भी केव से बाहर निकलना होगा, मैं भी आगे भी चल के इसे पार करूंगा। मैं कहाँ से आया था भाई? ओ भाई आई डोंट नो मैं किधर से आया था गाइज, लोल। हाँ अब रन करने दे रहे हैं मुझे, आई थिंक एक ट्रेनर बैटल के बाद रन करने देते हैं। हाँ मैं इधर ऊपर से आया था, यहाँ पे कहीं लैडर थी। अरे भाई ओ शेट यार ये स्लैम किड। ओके गाइस तो भी मैं ऊपर से आता हूँ यहाँ पे। भाई डॉक्टर बच गया मैं। ओके गाइस तो आई थिंक यही से है। ओके यहाँ पे क्या है? TM-19 रूस्ट। ओके अरे भाई हाँ यहाँ से हम लोग आए थे। ओके चलो मैं यहाँ पे चलता हूँ, एंड हाँ इधर से देखता हूँ मैं फिर से वाइल्ड पोकेमॉन। गाइस मैं दिमाग खराब हो गया यार वाइल्ड पोकेमॉन से लड़ते लड़ते। एंड नाउ हम लोग आगे यार केव से बाहर आ चुके हैं। भाई वाइल्ड पोकेमॉन्स तो दिमाग ही खराब कर दिया यार, फिर भी यार बहुत मज़ा आया। आई होप कि तुम्हें यह एपिसोड पसंद आया होगा, बिकॉज इसमें हमने टीम वॉर को भी देखा, जो कि हमने पहली बार देखा टीम वॉर कैसी दिखती है, कहाँ से थी, और हमें वो कहाँ से मतलब रूट 5 के आगे चल के हमें टीम वॉर से फिर से मिलने को मिलेगा। एंड ओके मैं आगे बढ़ता हूँ। टीम वॉर को हटाने के बाद यार उसका लीडर जो है मैं अभी तक उससे नहीं मिला हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ टीम वॉर किसने बनाई होगी, बिकॉज यार ये बुरी टीम्स के लीडर जो होते हैं ना वो बहुत चालाक होते हैं। यहाँ पे फिलहाल मैं नर्स जो है से बात कर लेता हूँ, एंड अपने पोकेमॉन्स को हील कर लेता हूँ, बिकॉज हम पूरा रेडी रहेंगे गाइज। और नेक्स्ट एपिसोड में यार रिपल्स भी मैं देखूंगा पिछले शहर में जाके, वहाँ पे रिपल्स अगर स्टोर में होंगे तो मैं रिपल्स भी खरीद लूंगा। वेल गाइज आई होप कि तुम्हें आज का एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आज का एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, अंटिल देन गुड बाय।